इसके बाद आपके पास आता है सैम्पलिंग एरर। अ सैम्पलिंग एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्व रैंडम सैम्पल एंड द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। अ सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिक। देखिए मैंने आपसे कहा था स्टैटिस्टिक जो होती है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल को शो कर रही होती है। डेट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्व रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल वो है जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। एंड द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन के लिए आपकी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स आपकी पैरामीटर आते हैं, ठीक है, बींग एस्टिमेटेड। Let t be the sample statistic used to estimate the population parameter theta, then the sampling error e is defined as। अब देखिए आपके पास e कैसे define किया जाएगा, उसको हम कैसे define करेंगे, e equals to t minus theta। अब आपके पास e की जो value है वो आपके पास t में से थीटा को माइनस करेंगे तो आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी, मींस सैंपलिंग एरर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर में क्या है, द एरर दैट आर कॉज्ड बाय द सैंपलिंग द रॉन्ग पॉपुलेशन एंड बाय द रिस्पांस बायस एज वेल एज दोज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग एनालिसिस and reporting the data are all classified as non-sampling error, ठीक है। अब कोई भी उसमें error उस वक्त भी आ सकता है जब आप data select कर रहे हैं, ठीक है, या उस पर analysis कर रहे हैं या उसकी reporting कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी उस वक्त भी calculation में भी कोई भी error आ सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, non-sampling error, ठीक है। एक हम sample को select करेंगे तो उसमें अगर error आता है तो आपके पास sampling error है, और जिसमें अगर आपकी अपनी investigator की कोई अगर गलती होती है data collect करने में या उसको analysis करने में या उसको present करने में या उसकी reporting करने में, तो आपके पास non-sampling error आएगा। ये तो था आपका एरर और सैम्पलिंग, उसके बाद एरर उसमें सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको जो आपने पढ़ा है, उसमें आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन कैपिटल एन से डिनोट होगा, सैंपल स्मॉल एन से डिनोट होगा, पॉपुलेशन आपका होल मटेरियल या होल डेटा, सैंपल उसका एक पार्ट, ठीक है, वो जो आपको एक रिजल्ट देगा होल पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद सैंपलिंग, सैंपलिंग प्रोसेस है सैंपल सेलेक्ट करने का पॉपुलेशन में से, ठीक है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं होल पॉपुलेशन में से, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। पैरामीटर वो होता है जो करेक्टरिस्टिक्स शो करता है पॉपुलेशन की, और स्टैटिस्टिक वो है जो करेक्टरिस्टिक्स शो करता है सैंपल की शो करता है, ठीक है। पैरामीटर फिक्स होता है और स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल होता है सैंपल टू सैंपल। उसके बाद आपके पास एरर आता है। एरर वो वैल्यू है जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है पॉपुलेशन की और एक्सपेक्टेड या आप एस्टिमेट लगाते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपके पास एरर क्या होता है, टी इक्वल्स टू टी माइनस अल्फा। अब उसके बाद आपके पास क्या आता है, थीटा, टी माइनस थीटा। अब उसके बाद आपके पास क्या आता है, एरर में आपके पास एक आता है सैंपलिंग एरर और एक नॉन सैंपलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में आपका सैंपल सेलेक्ट करते हुए कोई एरर आ सकता है तो आपका सैम्पलिंग एरर होगा, और नॉन सैम्पलिंग एरर में ये है कि इन्वेस्टिगेटर की तरफ से कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसमें डेटा सिलेक्शन में आए या रिपोर्टिंग में आए या एनालिसिस में आए या कैलकुलेशन में आए, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट आता है, ठीक है। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो आपके पास आता है वो आपका है एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा, ठीक है। आप इसकी यही डेफिनेशन अगर याद कर लेते हैं कि काई स्क्वायर वो टेस्ट है स्टेटिस्टिक्स का जिसमें हम मेजर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी क्या थी, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, और आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे डेटा से तो फिर हम उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो वो आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट आता है। मैंने ये नीचे लिखा है डेटा कलेक्टेड, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व
डेटा है आपके पास, और डेटा प्रिडिक्टेड, डेटा प्रिडिक्टेड में आपने एक्सपेक्ट किया है कि ऐसा डेटा हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व में आपके पास, आपको पता है कि ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी, और आपके पास प्रिडिक्टेड में आपने मींस आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारे पास ये वैल्यूज आनी चाहिए। अब उसके बाद आपके पास आता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या आता है, नल हाइपोथेसिस आपके पास होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हमारा जो डिसीजन है वो ट्रू है, ठीक है, हम जो रिजल्ट दे रहे हैं वो ठीक है, हमने जितने एक्सपेक्ट की थी वैल्यू वही ऑब्जर्व्ड वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अब आपने जितना ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है, जितनी वैल्यू आपने देखी, आपने एक्सपेक्ट भी उतनी वैल्यू की थी, आप जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आती है, तो ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है। इसके बाद आपके पास आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बाद में आपके पास ये होता है ऑब्जर्व वैल्यू नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब हम ये कह देते हैं कि ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक तो ये कैटेगरी आ गई कि नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड हो गया, दूसरी आपके पास क्या कैटेगरी आती है कि ऑब्जर्व वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। आपके पास फाइव स्टेटमेंट्स आती हैं, ये मैंने उस दिन आपको इक्वेशन के बारे में बताया था, सारी मैंने ये बोर्ड पे स्टेटमेंट्स लिखी थी, ठीक है। एक तो आपके पास इक्वल आ गया, एक आपके पास लेस देन आ गया, एक आपके पास ग्रेटर देन आ गया, एक आपके पास नॉट इक्वल आ गया, एक आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब हम कहते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो आपस में इक्वल नहीं है। अब काइस्क्यू परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब ये टू टाइप्स ऑफ टेस्ट इसमें कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है, जिसमें सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें मल्टीपल वेरिएबल होंगे, ठीक है। द फार्मूला फॉर द काई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर बाय ई, ठीक है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर, उसके बाद समेशन का मैंने आपको कहा था, जहां पे आपके पास समेशन साइन आए तो इट्स मीन सम, आपने उसको सम करना है, ठीक है, उसको आपने जमा करना है। अब ओ आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, माइनस आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब सी आपके पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओ आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है और ई आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिटनेस, द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज अ स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट टू सी हाउ विल सैंपल ड्रा फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन ऑफिस द एम्प्लॉयर इक्वल मेल फीमेल इट इज क्लेम, वो कहते हैं एक आपके पास एक ऑफिस है जिसमें ये स्टेटमेंट दी जाती है या ये क्लेम किया जाता है कि उनके पास मेल और फीमेल एम्प्लॉय सेम है, मीन्स नंबरिंग उनकी सेम है। अगर उनके पास 10 फीमेल एम्प्लॉय है तो उनके पास 10 मेल एम्प्लॉय है, ये दोनों इक्वल्स है, ठीक है, मेल और फीमेल उनके पास इक्वल नंबर में। अब हम इसको क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आएगा, रेशियो 50/50, मीन्स उनकी रेशियो क्या है कि अगर 100 एम्प्लॉय आप उनके पास हैं तो उसमें से 50 फीमेल है और 50 मेल है, ठीक है, ये एक ऑफिस में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये है कि इनकी रेशियो 50-50 नहीं है, नॉट हियर ये रेशियो, ठीक है, आपकी 50-50 रेशियो यहाँ पे नहीं है। ऑफिस में 60 मेल हो सकते हैं और 40 फीमेल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 45 फीमेल हो सकती है और 65 मेल हो सकते हैं, इस तरह से आपकी रेशियो चेंज आएगी। अब इसमें हम क्या कहते हैं, मेल एम्प्लॉय, देखिए अब जब नॉट इक्वल आ गया तो उसमें हम दो कैटेगरी अप्लाई करेंगे, एक मेल एम्प्लॉय लेस देन फीमेल एम्प्लॉय और एक मेल एम्प्लॉय ग्रेटर देन फीमेल एम्प्लॉय। मैंने आपसे यही बात कही थी कि नल हाइपोथेसिस अगर आपके पास आता है कि ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल्स टू
एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है, जिसमें हमने ये वैल्यू पुट की कि ठीक है जी हमारे पास 50 फीमेल है और 50 मेल है। उसके बाद आपके पास आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास ये रेशियो आती है कि यहाँ पे 50 फीमेल और 50 मेल नहीं है, ठीक है, हम ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को नॉट इक्वल कर देते हैं। उसमें दो कैटेगरी पार्ट हुई, ठीक है, जिसमें आपके पास आएगा मेल एम्प्लॉय लेस देन फीमेल एम्प्लॉय, कि मेल एम्प्लॉय कम है फीमेल उनके पास ज्यादा है, और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी ये आती है कि मेल एम्प्लॉय ज्यादा है फीमेल एम्प्लॉय कम है, ठीक है। अब सैंपल जो होगा उसको कलेक्टेड कैसे करेंगे हम अगर एक उस ऑफिस के एक मीन्स एक रूम में चले जाते हैं, वो जो पूरा ऑफिस है जिसमें कहते हैं कि हमारे पास 100 एम्प्लॉय काम करते हैं जिसमें से 50 फीमेल और 50 मेल है, हम उसके सिर्फ एक रूम में जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप क्या देखेंगे 13 मेल बैठे हैं और 7 फीमेल बैठी है, ठीक है। एक रूम में अगर आप जाते हैं तो वहां पे 13 मेल और 7 फीमेल बैठी है, आपके पास रेशियो क्या आती है 13:7, ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, इसके बाद आप ये जो टेबल बनाएंगे उसमें क्या है, मैंने लिखा है मेल और फीमेल, उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर बाय ई, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब इसमें आपके पास क्या आएगा, आपने देखा कि वहां पे 13 मेल बैठे थे और 7 फीमेल थी, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वहां पे 10-10 की रेशियो आएगी, मींस अगर 10 वहां पे मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 10 ही वहां पे फीमेल एम्प्लॉय भी होंगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास रेशियो ये तो नहीं आई, वहां पे हमारे पास 7 और 13 रेशियो आई। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है वो किसका है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था 10-10 नॉर्मल रेशियो आएगी, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया 13 थे। अब ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू में से, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू में से, तो 13-10=3, और यहाँ पे फीमेल में आपके पास इसी तरह आएगा कि 7-10=-3, ठीक है। अब ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने माइनस की है 13-10=3 और 7-10=-3। अब इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 × 3 आपके पास 9 आ गया। स्क्वायर आप ऐसे ओपन करते हैं 3 को 6 कर देते हैं, हालांकि स्क्वायर ऐसे ओपन नहीं होता, अक्सर जल्दी में आप लोग स्क्वायर का यही मतलब समझते हैं, लेकिन स्क्वायर ये है कि 3 × 3 = 9। उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस का साइन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये भी आपके पास 9 आ जाएगा। अब आगे वाला कॉलम क्या कहता है, वो कहता है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर बाय ई, जिसमें आपके पास आ गया कि आपने आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो आपने मीन्स सब्ट्रैक्शन की तो आपके पास 9 था, और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकेंड कॉलम जो आपके पास है वो आपकी 10 है, ठीक है, 9/10 = 0/9 0.9 और 9/10 = 0.9। अब हमें याद हो तो हमारा काई स्क्वायर के फार्मूला में समिशन भी था इसके साथ, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड, इसके साथ पीछे समिशन का साइन था, ठीक है, समिशन से मुराद इसको सम करना है, 0.9 + 0.9 = 1.8। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है काई स्क्वायर की वो आपके पास है x² = 1.8, ठीक है, इसके आपको समझ आई। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ आपके लिए, देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे काई स्क्वायर जो है उसमें आप एक एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ऐसा है मैयस करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करता है एक्चुअल वैल्यू के साथ, ठीक है। अब आपके पास डेटा कलेक्टेड जो है वो आपका ऑब्जर्व डेटा है, और जो आपके पास डेटा प्रिडिक्टेड है वो आपके पास एक्सपेक्टेड डेटा है, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑब्जर्व वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड
वैल्यूज। अब काइस के जो है उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समीशन ओ माइनस ई बाय ई, ओ माइनस ई स्क्वायर बाय ई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास समीशन आपका सम आ गया, ओ आपका ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, माइनस ई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, स्क्वायर इसका और जे आपके पास ई फिर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें आप देखें जो हमने टेबल बनाया था उसमें क्या हमने क्लेम किया था कि एक ऑफिस है जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं जिनकी रेशियो सेम है, मेल और फीमेल की रेशियो सेम है, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस लेंगे रेशियो ऑफ 50-50 एग्जिस्ट इन ऑफिस। ठीक है, 50-50 एग्जिस्ट करते हैं मींस अगर 10 फीमेल है तो 10 ही मेल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या कहते हैं कि ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता, 50-50 की रेशियो नहीं है, मेल एम्प्लॉय कम है फीमेल एम्प्लॉय से और मेल एम्प्लॉय ज्यादा है फीमेल एम्प्लॉय से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, 13 मेल और 7 फीमेल हमने एक ऑफिस में बैठे देखे, जिसकी रेशियो हमारे पास क्या आई, 13:7। अब आपके पास मेल और फीमेल का आप पहले कॉलम रो बनाएंगे। ठीक है, और पहला कॉलम आपका आएगा ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व आपने क्या किया कि मेल आपके पास 13 थे और फीमेल आपके पास 7 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि इनकी रेशियो सेम है, 10-10 होने चाहिए, 10 फीमेल और 10 मेल आपके पास आने चाहिए। अब हम ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को। ठीक है, अब जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 और यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्केयर लेंगे तो आपके पास 9-9 दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्केयर बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू को लेना है। आपकी जो होल स्केयर आपका आया 9, उसके बाद आप उसके आप उसके बाद आप जो लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आपकी 10 है, 9/10 एंड 9/10 दोनों आपके पास आएंगे। अब फीमेल के भी आपके पास 9/10 आ रहा है और मेल का भी आपके पास 9/10 आ रहा है, जिसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आती है 0.9 के। अब समीशन का साइन उसके साथ था, आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समीशन ओ माइनस ई स्क्वायर बाय ई। अब उसका समीशन जब हम लेते हैं तो 1.8 आपके पास आता है। ये जो आपके पास वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड काइस स्क्वायर, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डिग्री होती है नंबर ऑफ कैटेगरीज माइनस 1। ठीक है, आपके पास कैटेगरी कितनी है उसमें से आपने 1 को माइनस करना है तो वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी थी, देखें मेल और फीमेल दो कैटेगरीज है आपके पास, कि आपके पास एक ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो मेल और फीमेल सेम रेशियो से है। अब देखिए 2 आपके पास आ गया, आपके पास कैटेगरीज कितनी है 2 माइनस 1, आप फार्मूला यहाँ पुट करेंगे कैटेगरीज माइनस 1 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0.05, यहाँ पे आपको कभी कभार गिवन होता है, अगर गिवन ना हो तो आपने अल्फा हमेशा 0.05 लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया कैलकुलेटेड वैल्यू। अब देखें कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर की आपके पास जो आती थी 1.8 आती है। और अब जब चार्ट से लेंगे, इसका काई स्क्वायर का एक चार्ट होता है आपके पास, उसकी पिक्चर मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, उसका जो चार्ट है उसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है, उसके बाद आपके पास आगे वैल्यूज दी जाती है, अल्फा की वैल्यू 0.55, इस तरह से सारी वैल्यूज दी जाती हैं। अब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, अब 1 के सामने 0.05 के कॉलम में हम 1 के सामने देखेंगे जो वैल्यू हमारे पास लाइक करती है तो वो आपकी चार्ट की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने 1 के सामने 0.05 के कॉलम में देखा तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 3.8 आती है। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.8 है और चार्ट की जो वैल्यू है वो 3.8 है। ठीक है, अब देखिए 1.8 इज लेस देन 3.8। अब देखिए 1.8 जो आपके पास है वो कम वैल्यू है 3.8 से। अब आप बताएं 1.8 बड़ा है 3.8 बड़ा है, अब 1.8 जो है वो कम है 3.8 से, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि ये वैल्यू इक्वल है, दोनों 50-50 की रेशियो से है, मींस
ये दोनों एम्प्लॉय जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सेम रेशियो से हैं। अगर 10 आपके पास फीमेल है तो 10 ही मेल वर्कर है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो इसमें हम जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उसको छोड़ के हम फॉल्स वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास रिजल्ट इक्वल नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को क्योंकि वो इक्वल है। इसके बाद आपके पास आता है टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब टी टेस्ट आपके पास क्या है? टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास आ जाता है टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। यहां पे आपको ये टी हाइपोथेसिस तब अप्लाई किया जाता है जब वेन एन इज लेस देन 30, जब एन आपके पास लेस देन 30 हो। अब एन आपके पास क्या था? स्मॉल एन। मैंने आपको पहले ही बताया है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन साइज को शो कर रहा है, स्मॉल एन आपके सैंपल साइज को शो कर रहा है। अब यहाँ पे टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। अब यहाँ पे आपके पास एच नॉट मीन्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या आता है? नल हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमारा म्यू किसके इक्वल है? 1.5 के। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं कि म्यू इज लेस देन 1.5। अब ये स्टेप बाय स्टेप, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना है। आपके पास एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा जिसमें हम इसको इक्वल लेंगे और दूसरे में नॉट इक्वल लेस आर ग्रेटर लेंगे। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस में आपने क्या लिया? म्यू इज इक्वल्स टू 1.5। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने क्या लिया कि म्यू इज लेस देन 1.5। सेकेंड स्टेप जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास आता है अल्फा इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, अब 0.05 ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर नॉट प्रिडिक्टेड हो, मीन्स हमें बताया हुआ ना हो, तो फिर आपके पास 0.05 आप इसको लेंगे। अगर उन्होंने वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी है तो फिर आप अल्फा, वहां पे अगर अल्फा दिया है अल्फा इक्वल्स टू 0.01, तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू 0.01 इसको शो करेंगे। अगर आपको अल्फा की वैल्यू नहीं दी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो आप इसका 0.05 अल्फा को लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपके पास फार्मूला होता है टी टेस्ट का फार्मूला क्या है? अब टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अब ये आपके पास एक्स बार आ गया माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलेशन अगर आप शुरू करते हैं तो आपके पास एन वैल्यूज आपको गिवन दी गई है 10। एक्स बार आपके पास है, एक्स बार आप मीन को शो कर रहे होते हैं, मीन्स अब एक्स बार आपके पास आ गया 1.49 और एस आपके पास है 0.02। अब वैल्यूज को हम अगर पुट करते हैं फार्मूला में टी इक्वल्स टू 1.49 माइनस 1.5। अब म्यू की वैल्यू ऊपर आप लेंगे नल हाइपोथेसिस में से 1.5। ठीक है, एस की वैल्यू आपके पास है 0.02 बाय अंडर रूट एन की वैल्यू है 10। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.49 माइनस 1.5 तो वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 0.01 और 0.02 बाय अंडर रूट 10 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1.581 माइनस 1.581। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की है। इसकी टी की सी वैल्यू, टी के साथ जो स्मॉल सी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू को शो कर रहा है। टी इक्वल्स टू माइनस 1.581। उसके बाद आप लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यूज वो है, ठीक है, जो आप चार्ट से फाइंड आउट करते हैं। अब टी की आपके पास वैल्यू आ गई, आप देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है। टी आपके पास अल्फा माइनस म्यू है, टी उसके बाद ब्रैकेट में नीचे लिखा है अल्फा माइनस म्यू।
अब अल्फा माइनस म्यू की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 0.05 और म्यू की वैल्यू आपके पास है 9। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ऑफ एफ आपके पास क्या कहते, डी ऑफ एफ आपके पास क्या होता है, एन माइनस वन। ठीक है, आपका जो एन है उसमें से वन को वन हम माइनस करेंगे तो आपके पास वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 9 है और आप उसमें 0.05 के सामने उसके कॉलम में देखेंगे, 9 के सामने 0.05 के कॉलम में जो वैल्यू लाई करती है वो आपके पास आती है 1.833। ठीक है, अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू टी की आई है -1.581 और आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू आई है मीन्स चार्ट से जो आपने ऑब्टेन की है वो आपकी वैल्यू है 1.833। ठीक है, अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। अब क्रिटिकल रीजन में आपके पास क्या आएगा, टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, चार्टेड वैल्यू है। अब जो चार्ट से हमने फाइंड आउट की थी वो वैल्यू थी हमारे पास 1.833 और जो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी वो -1.581। अब देखिए -1.581 क्या है, लेस देन है 1.833 से। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें आपके पास सेंटर में आपका जीरो आएगा, जीरो से आपकी लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन आपका नेगेटिव साइड पे और एक्सपेक्टेड रीजन आपका, एक्सेप्टेड रीजन आपका पॉजिटिव साइड पे आएगा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो -1.581 है और जो आपकी चार्टेड वैल्यू है वो 1.833 है। ठीक है, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब अगर दोबारा इस पे जाएं तो मैं इसको फिर दोबारा आपको कहती हूँ कि आप जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें म्यू आपका 1.5 की इक्वल है। ठीक है, अब टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में टी का आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, वेयर एन इज लेस देन 30, जब यहाँ पे सैंपल साइज जो होगा 30 से लेस देन होगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, आप हाइपोथेसिस सिलेक्ट करेंगे जिसमें नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 1.5 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 1.5, उसमें कौन सी कैटेगरी हमने अप्लाई की है कि म्यू इज लेस देन 1.5। इसी तरह हम म्यू इज ग्रेटर देन 1.5 ले सकते थे, म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.5, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, लेकिन इसमें से हमने कौन सी सिलेक्ट की, म्यू इज लेस देन 1.5। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपके पास क्या आता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने आपसे कहा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप हमेशा ये 0.05 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अल्फा की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप 0.05 लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब उसके बाद आपके पास आता है टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में आपने फार्मूला पुट करना है, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, मैं फिर से इसको बताती हूँ, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय अंडर रूट एन। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जब स्टार्ट होगी तो एन आपका नंबर ऑफ सैंपल साइज है वो आपका 10 है, एक्स बार आपका 1.49 है, एस आपका 0.02 है। अब वैल्यूज जब फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास टी इक्वल्स टू 1.49 माइनस 1.5 आता है। ठीक है, 0.02 बाय अंडर रूट 10। अब यहाँ पे 1.49 आपका एक्स बार है, माइनस 1.5 आपकी म्यू की वैल्यू है जो आपने अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में दी है कि म्यू इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आपने वहां से ली है जहां पे नल हाइपोथेसिस में आपने कहा था म्यू इक्वल्स टू 1.5। अब टी इक्वल्स टू 1.49 आपका एक्स बार माइनस 1.5 आपका म्यू बाय 0.2 आपका एस आ गया बाय अंडर रूट एन आपका एन आ गया। टी इक्वल्स टू माइनस 0.01 बाय 6.32 इंटू 10 रेज टू पावर 2।
अब जब आपका अंडर रूट खत्म होता है तो उस पे 1/2 आता है, इक्वल्स टू -1.581। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। इसके साथ टी के साथ आपने सी लिखना है छोटा सा, वो आपके पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या आती है, जो आप चार्ट में से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो आपका है टी अल्फा माइनस म्यू। अब अल्फा माइनस म्यू, अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0.05 की वन थी, और म्यू की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आता है एन माइनस वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है एन माइनस वन, एन आपका नंबर 10 है, माइनस इसमें से 1 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। तो ये जब आप चार्ट में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 1.833। ठीक है, अब इसको हम क्रिटिकल रीजन की अब वैल्यू क्या आएगी, टी कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन है टी चार्टेड, जो चार्ट से हमने देखी वैल्यू है उससे वो ग्रेटर देन है टी कैलकुलेटेड टी से। अब -1.581 इज लेस देन 1.833। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें आपका सेंटर में जीरो, उससे राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू। अब आपकी नेगेटिव वैल्यू लाई करती है 1.581 और आपकी पॉजिटिव वैल्यू लाई करती है 1.833, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 1.5।